कोरोना संक्रमण के कारण रोजगार और नौकरियां गवा चुके शहर के नागरिकों के लिए सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी ने रोजगार देने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया। संक्रमण और महंगाई के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए सामाजिक संस्था द्वारा शहर के 50 बेरोजगारों को 50 दिन में रोजगार दिया जाएगा। सामाजिक संस्था सुन्नी वेलफेयर के अनीश कादरी ने गुरुवार शाम को बताया कि कोविड-19 की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। शहर में लगे लॉकडाउन के कारण छोटे छोटे व्यापार कर अपना परिवार पालने वाले लोगों को आर्थिक परेशानी उठाना पड़ी, जिसको देखते हुए 2020 में अलग अलग कार्यक्रम चलाकर लोगों की मदद की गई। इस साल भी कोरोना के कारण शहर में कई दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कारण छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक समस्या उठानी पड़ी। हालत को देखते हुए शहर में बेरोजगार हो चुके लोगों को 50 दिनों में 50 छोटे व्यापार की शुरुआत करवाई जाएगी, जिसके लिए संस्था सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी ने तैयारी कर ली है। शहर काजी इशरत अली और समाज के जिम्मेदार व्यापारियों की मौजूदगी में 10 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराकर इसकी शुरुआत की गई। संस्था द्वारा तकरीबन 300 लोगों को छोटा व्यापार शुरू करने में मदद कर चुकी है। बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की मदद रोजगार देकर संस्था आगे भी करती रहेगी। समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए सुन्नी वेलफेयर कमेटी ने आम जन से इस काम में अपना सहयोग देने की अपील की है, जिससे छोटा मोटा व्यापार कर अपने परिवार के पालन पोषण करने वाले लोगों की मदद कर सके। साथ ही संक्रमण के चलते नौकरी गंवा चुके लोगों को छोटा व्यापार शुरू करने में मदद मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी वेलफेयर कमेटी जो है वो सदैव समाज के उत्थान के लिए हर कोशिश करती है। हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल हेल्थ और गवर्नमेंट बेनिफिट्स, पांचों डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारा जरिया प्रोजेक्ट है और माइक्रो फाइनेंस है और टेलरिंग शॉप है। तो हमने प्रैक्टिकल किया था 2017 में, और 2017 जिसका हम एक बार सेटअप लगाते हैं उसका हर महीने हम ट्रैकिंग करते हैं। सेटअप लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, वो सेटअप ज़िंदा रहे इसके लिए बेसिक काम करते रहना ज़रूरी है। हमारा एक इंस्पेक्टर है जो हर महीने हमारे सेटअप जो लगाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग करते हैं फिज़िकली जाकर। इसी तरह से 300 से ज़्यादा सेटअप हमारे रन हो रहे हैं और उनकी हमारे पास प्रॉपर ट्रैकिंग है 2017 से आज तक। इसी कामयाबी को हमने आगे बढ़ाते हुए पिछले लॉकडाउन के बाद भी हमने रिहैब का प्रोग्राम चलाया, सेटअप्स लगाए। इस साल भी हमने 50 डेज में 50 सेटअप लगाने का एक टारगेट लिया था, जिसको हमने पूरा किया, अल्लाह का शुक्र है। और ये सभी काम जो पूरे हो पाए हैं, ये सब लोगों की, हमारे जो शहर के नागरिक हैं इन लोगों की मदद से पूरे हो पाए हैं। आगे भी अभी 350 सेटअप हो गए हमारे, और आगे भी पूरे साल हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस बार हमने बड़ा टारगेट लिया है, क्योंकि समाज में बेरोजगारी बढ़ी है, उसको दूर करने के लिए हर तत्पर कोशिश की जाएगी। आज ये 10 कार्ड शॉप लगाए हमने, इसी तरह से 40 और लगाए हैं, 50 डेज में 50 को सेटअप लगाया है। इसी तरह से इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे पूरे साल में। इस साल हम तकरीबन 250 सेटअप लगाने का टारगेट लिया है इस साल, और पिछली अभी तक हमारे 300 सेटअप थे और 250 सेटअप लग जाएंगे, तो 550 टोटल सेटअप हमारे हो जाएंगे। मेरा नाम अनीश कादरी है, मैं एक सुन्नी वेलफेयर कमेटी का छोटा सा खादिम हूँ। तरफ से हमको ठेला ही मिला, कमेटी की तरफ से हमको माली बेचने को मिला, और कमेटी को मालिक परवाहिगार दे और इसे रात दिन चौक नहीं करे, हमारी यही दुआ। आप पहले क्या करते थे? हम भाई साहब पहले माली करते थे, माली बेचते थे। अब हमको इन्होंने सहारा लगाया, हमको दाल रोटी से लगाया है। मालिक इन्हें और अच्छा नेकी दे और इनकी सोसाइटी के अंदर और तरक्की दे परवाहिगार। किस तरह की पहले इनकी ये जिस तरह? बहुत बढ़िया भाई साहब, मालिया घर में दाल रोटी से हमको लगाया है। आज जितने भी हैं इनके बाद वाला से कमा खा सकते हैं। आपका नाम बता? रमजान शाह। देखिए, इस ज़मीन के ऊपर और इंदौर में भी, ज़मीन के अंदर इंदौर में भी गरीब भी है, अमीर भी है और मीडियम क्लास इंसान भी है। क्लास है मतलब उसकी आर्थिक स्थिति, किसी की तो बहुत ज़्यादा है, किसी के दो टाइम खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सुन्नी वेलफेयर कमेटी, इसके अंदर शहर के तमाम जिम्मेदार लोग अपना माली ताउन करते हैं,
और उनके माली ताउन से ये जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं हलाल कमा कर, तो उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराते हैं। अभी तक इस तरह के 350 लोगों को करा चुके हैं ये, और कोशिश ये है कि लोग भीख ना मांगे, और ये कोशिश है कि लोग बैंकों से लोन ना लें, समाज के लोग ही उनको मदद करें ताकि वो भी जीने का हक उनको बराबर अदा हो पाए। हाँ, ये इनको पूरा दे दिया गया है, उसमें ठेला भी हो गया, जो सामान भी रखा है वो भी दे दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, दे दिया गया मतलब निःशुल्क है ना। 50 बिजनेस, 50 सेटअप, ये टाइटल दिया है, इसका क्या मतलब है? 50 लोगों को आप आगे भी और प्रोग्राम जारी रहेगा। और मैं तो